वेलकम टू सेलेक्ट आईएएस। सेलेक्ट आईएएस में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश करंट और नेशनल करंट के बारे में। हम लोग बात करेंगे, हमारा पहला टॉपिक आज का रहेगा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। तो अभी जो चुनाव 2022 में हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार का चुनाव जो है, विधानसभा का चुनाव जो हुआ था 1 जुलाई 2022 को, जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि समाज कल्याण राज्य मंत्री जो है स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण साहब को, ये पहले आईपीएस भी रह चुके हैं, ये उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का इनको प्रभार दायित्व दिया गया जब तक दूसरा कोई नहीं आ जाता है। ठीक है, वे कानपुर के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं, वो इसके साथ साथ गोरखपुर के भी रह चुके हैं, आईपीएस थे वो। और चुनाव से पहले इनके बारे में अगर मैं बता दूं तो चुनाव से पहले इन्होंने जो है अपनी आईपीएस की नौकरी को छोड़ दिया था और भाजपा में ये शामिल हो गए थे। उसके बाद ये भाजपा में शामिल होने के बाद जो है कन्नौज सदर सीट से जो है उम्मीदवार इनको घोषित किया गया था। और यहाँ से असीम अरुण ने क्या किया था, समाजवादी पार्टी के जो लगातार 3 बार के जो विधायक थे अनिल दोहरे को इन्होंने हराकर जीत को भी हासिल किया था। तो काफी चर्चित चेहरे हो सकता है परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे जाए। 25 मार्च 2022 को असीम अरुण ने कैबिनेट में, जो योगी कैबिनेट में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में शपथ लिया था और 28 मार्च को उन्हें समाज कल्याण या SC ST मामलों की जिम्मेदारी भी दिया गया है। तो इसमें जो मेन है कि किस पार्टी से जुड़े थे, इसके पहले आईपीएस थे, आईपीएस की नौकरी इन्होंने छोड़ दिया, पार्टी को ज्वाइन किया BJP को, उसके बाद वो कन्नौज से उनको उम्मीदवार बनाएगा, तो हो सकता है कि इससे प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। अगला हमारा टॉपिक है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में जो है उत्तर प्रदेश लीडर के रूप में उभरा है, नेता के रूप में उभरा है, तो सबसे बड़ी बात है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है ये जो इकोसिस्टम है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इसे उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जो है उत्तर प्रदेश को लीडर की श्रेणी में शामिल किया गया है। स्टार्टअप का जो आधार होता है उसमें 7 क्षेत्रों पर आधारित होता है। रिपोर्टों में राज्यों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को भी लिया गया था, टॉप परफॉर्मर को भी लिया गया था, लीडर्स के रूप में जैसे यूपी आया है लीडर के रूप में, आकांक्षी लीडर्स के रूप में भी चुना गया है और कुछ उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये 5 जो है श्रेणी, इन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बात करें तो गुजरात और कर्नाटक जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य थे। ठीक है, तो ये सब प्रश्न जरूर परीक्षा में आते हैं, गुजरात और कर्नाटक। इसके साथ साथ अगर हम टॉप परफॉर्मर की बात करें तो टॉप परफॉर्मर वाले राज्यों में जो है केरल है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा और तेलंगाना को शामिल किया गया है, जैसे यहाँ पे 5 श्रेणी मैंने बताया ही था। वहीं अगर लीडर्स के बारे में बात करें, एक एक करके हम सब पे बात कर रहे हैं जो मैंने अभी बताया आप सभी, तो ये 5 जो है ये 5 श्रेणियों में जो विभाजित किया गया है, ये 5 आपकी जो श्रेणियां हैं इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में जो है मैंने कहा कि गुजरात और कर्नाटक है। ठीक है, टॉप परफॉर्मर की अगर हम बात करें तो इसमें केरल है आपका, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, उड़ीसा है और आपका तेलंगाना, इसको जो है टॉप परफॉर्मर वाले राज्य है। ठीक है, वहीं अगर लीडर्स की बात हम लोग करें तो लीडर्स में जो है उत्तर प्रदेश भी है, तो उत्तराखंड भी है, पंजाब भी है आपका, असम है और तमिलनाडु राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। जबकि आकांक्षी लीडर्स के बारे में अगर हम बात करें उसकी श्रेणी में जो है छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया है, मध्य प्रदेश को भी शामिल किया गया है, राजस्थान को, दिल्ली को इसका भी चयन किया गया है। अगर उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम में पूछे किसको चयन किया गया है तो उसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है और बिहार भी इसमें शामिल है, या अभी उभरते हुए की बात की गई है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। तो इस तरह के प्रश्न जो है लगातार यूपी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये आने वाले समय में जो है आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो 5 जो मैंने मुख्य बिंदु बताया जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, टॉप परफॉर्मर लीडर्स, आकांक्षी लीडर्स और उभरते स्टार्टअप सिस्टम, सभी का नाम पढ़ लीजिएगा, खास करके उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मैंने कहा कि यूपी के साथ साथ जो है उत्तराखंड, पंजाब, असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों को भी शामिल किया गया, तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा इस बार परीक्षा में। वन महोत्सव अभियान अगला हमारा तीसरा टॉपिक है, वन महोत्सव अभियान। 5 जुलाई को देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम शेहरीन गांव स्थित उदंड वन क्षेत्र में हरिशंकरी के पौधे रोपकर वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो किस पौधे को कहां से और किस गांव से, इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती व बागवानी को बढ़ावा दिया, ऐसा मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा भी गया है। और बुंदेलखंड में जो है सरकार पूरा फोकस भी वहां पे कर रही है, क्योंकि बुंदेलखंड काफी पिछड़ा इलाका है, वहां पर जो है रोजगार के साधन नहीं है, वहां पर तरह तरह की समस्याएं हैं लोगों के पास। ठीक है, खेती की भी समस्या बहुत ज्यादा है, पानी की भी बहुत ज्यादा समस्या है, तो सरकार वहां पर पूरा फोकस कर रही है। इस अभियान के तहत प्रदेश में जो है उस समय 35 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया था एक दिन में, और इसमें एक दिन में जो है 5 जुलाई को 25 करोड़ पौधे रोपे गए थे और 15 अगस्त को जो है 5 करोड़ जो पौधे रोपे गए थे। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग कि कहां से कौन सा पौधा, तो हरिशंकरी के पौधे जो है रोपकर वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। अगले हम टॉपिक पर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022। मलियाबाद का आम बड़ा फेमस होता है,
चलिए, 4 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में जो है 4 दिवसीय जो प्रोग्राम किया था, उसमें उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का शुभारंभ भी किया था। इस डेट को जरूर याद रखिएगा, 4 जुलाई 2022 का डेट है और ये 4 दिन तक लगातार चला था, आयोजित किया गया था। आम महोत्सव के बारे में मेन ये था कि आम की उत्पादन कैसे हो, अच्छे तरीके से उसका उत्पादन हो, प्रसंस्करण की बात उसमें किया गया, विपणन की बात किया गया, निर्यात की बात किया गया और गुणवत्ता में वृद्धि, ये सभी जो आयामों पर जो है, चाहे वो संबंधित विभाग के लोग थे या अधिकारी लोग थे या वैज्ञानिक लोग थे, उन सभी लोग से विचार विमर्श इस पर पूरा किया गया है। कैसे जो है इसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, कैसे इसके प्रसंस्करण को बढ़ाया जा सके, कैसे इसको निर्यात को बढ़ाया जा सके। महोत्सव में जो है आम के प्रसंस्कृत उत्पाद और पौधे की भी बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे, इसमें कहा गया है। और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा भी है कि लखनऊ में जो है आम का मेगा क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा भी किया है कि आने वाले समय में जो है लखनऊ में किया जाएगा, यह परियोजना अगले 5 वर्षों में पूरी भी हो जाएगी, तो 2027 तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब तक का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के लिए केंद्र से 100 करोड़ रुपए की जो पूंजी है 100 CR का, वो भी स्वीकृत हो चुका है। जैसे कि मलिहाबाद और काकोरी फलपट्टी का आम जो है देश और विदेश में काकोरी आम के नाम से भेजा जाएगा आने वाले समय में, और इसी नाम से लखनऊ के आम की ब्रांडिंग भी होगी, क्योंकि मलिहाबाद का आम बहुत फेमस है, ठीक है, काकोरी का। और इसी वर्ष जो है 2015 में जो है, अगर हम बात करें तो तत्कालीन सरकार, उस समय की जो सरकार थी, उस समय जो है लखनऊ के आम की ब्रांडिंग उस समय जिस नाम से किया था वो नवाब आम के नाम से 2005 में इसका किया गया था। अब जो है आने वाले समय में जो है इसकी देश और विदेश में जो है अब काकोरी आम के नाम से भेजा जाएगा। ये हमारा तीसरा चौथा टॉपिक था। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश पुरोहित कल्याण बोर्ड एवं एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली, ये हमारा पांचवा टॉपिक है। तो जैसे नाम से ही आप सभी को पता होगा कि इसमें पुजारियों की बात की गई है, तो 6 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन एवं मंदिर सूचना प्रणाली शुरू करने के संबंध में जो विभागों को निर्देश दिया गया है, जिसमें जो भी हमारे बुजुर्ग संत हैं, पुरोहित हैं, पुजारी हैं, उनके कल्याण के लिए जो है इसका गठन किया गया, पुरोहित कल्याण का, क्योंकि जो भी हमारे पुरोहित लोग हैं उनको बचाना, चूंकि आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो है बहुत ज्यादा फोकस करते हैं मंदिरों पर, तो जो भी हमारे बुजुर्ग संत हो गए या पुरोहित हो गए, उन पुजारियों का कल्याण किस तरीके से हो सके, इसके लिए जो है पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड के अंतर्गत जो है मौलवियों को भी शामिल किया गया है, ठीक है, और सभी धर्मों के संतों और पुजारियों का चिन्हांकन करके उनका सत्यापन जल्द कर दिया जाएगा। धार्मिक पर्यटन को चूंकि बढ़ावा देने के लिए एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली की शुरुआत की जाएगी, जिसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख आदि सभी धार्मिक संप्रदायों से जुड़े धर्म स्थलों के बारे में विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार मस्जिदों के बारे में भी जो है एक विशेष पोर्टल बनाया जाएगा, जिसे बाद में एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली से जोड़ दिया जाएगा। तो अभी सभी धर्मों के लिए सब किया जा रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण है और इस पे भी काम किया जा रहा है। मंदिरों के साथ साथ जो है पुरोहितों के कल्याण के बोर्डों पे भी काम किया जा रहा है, एकीकृत मंदिर सूचना के बारे में बात किया जा रहा है, जिस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला हमारा जो टॉपिक है, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्वाधिक ट्रेनें चलाने में प्रयागराज मंडल देश में नंबर 1 है, ठीक है। तो ये किस मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत प्रयागराज आता है, इलाहाबाद प्रयागराज अब हो चुका है, देश का पहला ऐसा मंडल बन गया है जहां से 338 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में से 272 की अधिकतम स्पीड अब 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। आपको पता है कि 2025 में जो है कुंभ मेले के पूर्व जो है प्रयागराज मंडल में चल रही जितनी भी तमाम ट्रेनें होंगी उन ट्रेनों की जो स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि प्रयागराज मंडल में जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक ट्रेन चलाने के लिए यहाँ पर गाजियाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन तक जो है रेलवे ट्रैक के दोनों ओर जो है दीवार भी बनाई जाएगी। और ये दीवार क्यों जरूरी है, ट्रैक के इधर चाहे इधर दीवार बनाना इसलिए जरूरी है, बाड़ बनाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता है ना कि मवेशी जो है ये बहुत बड़ी समस्या है मवेशियों, क्योंकि खुला ये दीवार ये होता है ट्रैक होता है, कभी भी मवेशी जो आते हैं कट जाते हैं ट्रेनों से, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय, इसलिए इसमें काम भी किया जा रहा है। ट्रैकों के बीच इधर इधर जो है दीवार बनाया जा रहा है ताकि जो मवेशियों की समस्या है उसे निजात पाया जाए, ट्रेन की चपेट में वाहन आने के बाद वो रास्ता बाधित हो जाता है, रूट बाधित हो जाता है। तो यह दीवार जो है लक्ष्य भी रखा गया कि 2024 तक जो है इसे पूरा तैयार कर लिया जाएगा। तो दोनों तरफ से तो ये पूछ सकता है कि कहां से कहां तक, तो गाजियाबाद से कहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन तक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये कहां से कहां तक की बात की जा रही है, तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की उसमें रफ्तार भी हो जाएगी। तो दोनों ओर जो है दीवार बनाने का काम चालू हो गया, 24 तक ये कंप्लीट कर लिया जाएगा, बहुत जरूरी था, इस पे भी काम चल रहा है। अगला हमारा टॉपिक है श्रेष्ठ योजना के बारे में, काफी महत्वपूर्ण है, योजनाओं से भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 3 जून 2022 को जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इस योजना की शुरुआत किया है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है अगर हम बात करें तो देश के जो भी सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालय है उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना इनका मेन लक्ष्य है, खास करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
इस योजना को लक्षित क्षेत्रों में जो है हाई स्कूली छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना के रूप में जाना जाता है। सीबीएसई से संबद्ध जो भी निजी स्कूल है उन स्कूलों में कक्षा 9 और 10 में प्रवेश प्रदान किया जाएगा इसके माध्यम से। इसके तहत जो है जो एससी वर्ग आते हैं, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के जो लोग आते हैं शेड्यूल कास्ट के, उनमें 3,000 बच्चों को कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश दिया जाएगा। इसमें जो है 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले जो एससी समुदाय के छात्र है वो इसके पात्र होंगे। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए के नाम से जानी जाती है वो क्या करेगी, 9वीं और 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए इसका आयोजन, ठीक है, इसको देख लीजिएगा ये किसके लिए है। तो एससी समुदाय के बच्चों के उत्थान के लिए है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सब योजनाओं की शुरुआत किया गया है श्रेष्ठ। अगला जो हमारा है ये हमारा 7वां टॉपिक था, ये 8वां टॉपिक है, 8वें टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तमिलनाडु सरकार जो है स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य होगा, ठीक है। आपको पता है कि मिड डे मील तो मिलता ही है, हर अलग अलग दिन अलग अलग खाने मिलते हैं स्कूलों में। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है मिड डे मील के साथ साथ अब जितने भी सरकारी स्कूल हैं तमिलनाडु में वहां पर नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। तो इस तरह का कोई भी इनोवेशन होता है तो जरूर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के जो भी विद्यार्थी उन विद्यार्थियों के लिए नाश्ते की योजना की घोषणा भी किया था कि भैया अब जो है आपको जो है खाने के साथ साथ जो है आपको पौष्टिक खाना जो मिलता है उसके साथ साथ अब नाश्ता भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि राज्य में कुपोषित बच्चों पर जो है सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य कवर करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। और इसको कि जो है सरकार चूंकि सत्ता में जब आई थी तो अपना पहला वर्ष भी उसने पूरा भी कर लिया है। तो ये पहला ऐसा राज्य है जो इस तरह का इनिशिएटिव वाला काम कर रहा है। 9वां टॉपिक है हमारा मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी के बारे में बात हम लोग करेंगे, ठीक है। 29 मई 2022 को जो है बांग्लादेश और भारत के बीच में, पहले तो यही है कि कहां से कहां तक, तो बांग्लादेश और भारत, ठीक है। 2 वर्षों के बाद जो है इसको फिर से शुरू किया गया है और इसको ढाका, बांग्लादेश की राजधानी क्या है ढाका, ढाका से हरी झंडी देकर शुरू किया गया है। और मजे की बात है कि 1 जून 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है मिताली एक्सप्रेस नाम जरूर याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न जो है ना परीक्षा में अक्सर देखे गए, वो ट्रेन का नाम है, शुरू किया गया है, जो दोनों देशों के बीच चलने वाली ये तीसरी ट्रेन है। हालांकि मिताली जो ट्रेन है वो न्यू जलपाईगुड़ी एनजेपी जो है न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच, बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका उसके बीच में चलेगी। जबकि दूसरी जो ट्रेन है ये तो तीसरी है, लेकिन दूसरी अगर कोई पूछे तो दूसरी ट्रेन का नाम है बंधन एक्सप्रेस। और बंधन जो एक्सप्रेस आपका चलेगा वो कोलकाता और खुलना स्टेशनों के बीच में चलेगा, ठीक है। खुलना चूंकि बांग्लादेश में है इन दोनों के बीच में चलेगा। पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, ये जरूर आप लोग पूछेगा। अगला हमारा टॉपिक है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। जब भी सूचकांक परीक्षा में महत्वपूर्ण होते हैं और 1 से 2 प्रश्न जो है यूपीपीएससी की परीक्षा में हमेशा देखने को मिलता है, तो पहला ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसे कनाडाई थिंक टैंक द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। 2022 वाले में जो है कुल 165 देशों को इसमें शामिल किया गया है और इसमें जो है भारत की जो रैंकिंग है वो है 89, यानी कि 165 जितने भी देश को कवर किया गया उसमें भारत की रैंकिंग 89 थी। और सबसे अच्छी स्थिति ये है कि हम जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, उनसे अच्छी स्थिति में, क्योंकि चीन जो है अगर हम देखें पड़ोसी में तो 116 स्थान पर है, तो पाकिस्तान जो है वह 130वें स्थान पर है, जबकि हमारा पड़ोसी बांग्लादेश भी है या 139वें स्थान पर है। वहीं अगर हम नेपाल जो छोटा भाई है हमारा वो 103वें स्थान पर है, तो हम अपने पड़ोसियों से बेहतर स्थिति में है। लेकिन हमें यह भी जानना है कि भारत की रैंकिंग क्या है, खास करके परीक्षा में अगर यूपी के पेपर में तो भारत की रैंकिंग पूछता है, लेकिन इसके बाद हमको ये जरूर याद रखना चाहिए कि पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है। तो पहले प्रथम द्वितीय और तृतीय कम से कम हम लोग जान लें, क्योंकि 1, 2, 3 हमेशा परीक्षा में पूछता है। तो प्रथम स्थान पर आपका देश है हांगकांग, दूसरे स्थान पर आपका है सिंगापुर और तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड। प्रथम द्वितीय तिथि टोटल हमने 165 देशों को चुना, तो लास्ट वाला भी हम लोग को कम से कम याद रखना चाहिए कि 163 पे कौन था, 164 पे कौन था और 165 पे कौन था। तो 163वें स्थान पर था जिम्बाब्वे। 164वें स्थान पर था सूडान और सबसे आखिरी वाला कौन था, तो वेनेजुएला। ये जो था 165वें स्थान। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम पे कौन था, इसके साथ साथ लास्ट में कौन था और इसके साथ साथ भारत की रैंकिंग क्या थी, कम से कम आपको जरूर जानिए और किसके द्वारा इसे जारी किया था, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। भारत की जो अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर आपका 6.72 का स्कोर था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के जो भी डेटा चाहे जो भी आपको टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं परीक्षा में इसके यूजफुल है, परीक्षा में इसके यूज देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए या कोई सुझाव देना हो तो जरूर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपके सुझाव पे अमल भी किया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।